आज मैं आपके लिए पनीर की सुपर टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और सबसे ख़ास बात ये कि बिना टमाटर के बनाया है मैंने। तो इसको बनाने के मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, धनिया ले लिया, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, जावित्री, दालचीनी के टुकड़े, उसके बाद जीरा और एक बड़ी इलायची, इन सारी चीज़ों को ले लिया हमने। अब इसको हमें ब्लेंडिंग जार में डाल देना है। अब सारे मसाले को हमें डाल देना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से इसको हमें कर लेना है। तेज़पत्ते को मैंने तोड़ लिया है, उसके बाद इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें, अब इसको पीस लेना है। तो कुछ इस तरह से पीस लेने के बाद अब इसी में हमें डाल देना है एक प्याज को, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक, मिर्ची और लहसुन, इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना लेना है हमें। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, उसके बाद जीरा डाल देंगे और जीरा डाल देने के बाद ये जो हमने मसाले को बना के रखा था ना, इसको डाल देना है और इस तरह से इसको हमें मिक्स करते रहना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये मसाले और तेल बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो उसके बाद अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लेना है हमें और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी, ग्रेवी के हिसाब से हमें पानी ऐड करना है, तो थोड़ा सा पानी हमें और ऐड करना है। आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो बस इस तरह से पानी डाल दिया मैंने, उसके बाद जब इसमें उबाल आने लगेगा तो इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इस तरह से खोल लिया है। अब इसमें हमें डाल देना मलाई वाले दूध का इस्तेमाल किया है, इसमें आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको डाल के मिक्स कर लेना है, उबाल आने लगेगा तब इसको हमें इस तरह से पनीर को डाल देना है। पनीर को हमने लंबे पीसेस में कट कर लिया है, पनीर आप अपने हिसाब से जो भी पीसेस चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से एक एक करके पनीर के टुकड़े को हमें डाल देना है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए पकने देना है, ढक के हम पका लेंगे इसको। अब ये देखिए 2 मिनट के बाद खोल दिया। उसके बाद अब इसमें हमें कसूरी मेथी डाल देना है, कसूरी मेथी से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि यह सब्जी कितनी सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो ये बिना टमाटर की बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होगी। तो 5 मिनट के लिए ढक दिया, अब ये खोला मैंने, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती हम डाल देंगे गार्निश के लिए। अब इसको फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। तो है ये ना सुपर टेस्टी सब्जी, तो बिना टमाटर के आप इसको बना सकते हैं। इसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे पीस के ना, वो सुपर टेस्ट लेके आएगा। तो बस इस तरह से इसको फटाफट सर्व कर लिया मैंने। तो इसको आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, सबके साथ बहुत ही सुपर टेस्टी लगेगी। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर मेरे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।